रिया चक्रवर्ती की उस पड़ोसन की लगातार चर्चा होती रही जिसने ये कहा था कि उसने सुशांत और रिया को 13 जून को साथ में देखा। वो सामने नहीं आई, किसी ने उसकी तस्वीर नहीं देखी, उसका जो इंटरव्यू भी फोनिक इंटरव्यू आया था या उसने किसी को बताया था, उसकी तस्वीर सतीश माने शिंदे ने शेयर की है। ये तस्वीर है, ये देखिए, ये है डिम्पल थवानी, जो सतीश माने शिंदे ने ये तस्वीर शेयर करके बताया कि ये वो है मैडम डिम्पल थवानी जिन्होंने क्लेम किया कि SSR ने रिया को ड्रॉप किया था 13 जून को। मैं आपको बता दूँ डिम्पल थवानी के बारे में, सतीश माने शिंदे ने ये बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार सुशांत की फैन है और उनको लगता है कि उनके परिवार ने बताया, उनके परिवार के हवाले से खबर आई रिया के कि डिम्पल को सुशांत, ऐसा लगता है कि सुशांत उनके सोलमेट हैं, उनका पिछले जन्म का कनेक्शन है, इस तरह का एक लॉजिक दिया गया। अब ये चूँकि डिम्पल ने ये नहीं बताया तो हम नहीं जानते इस लॉजिक में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरह की बात सामने आई। मैं आपको बता दूँ कि कल CBI डिम्पल थवानी से पूछताछ करने गई थी जहाँ डिम्पल ने कुछ खास नहीं बताया और ऐसी खबरें आई सोर्सेस के द्वारा कि डिम्पल अपनी बात से मुकर गई हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद नहीं देखा, किसी और ने देखा था और वो शख्स कौन है वो उसे पहचान नहीं सकती, यानी सस्पिशियस तरीके से ये बात सामने आई। तो वो क्लेम जो ये हो रहा था कि रिया और सुशांत 13 को साथ में थे, जिसने क्लेम किया था वो अपने क्लेम से पलटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में सतीश माने शिंदे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि रिया को जो है डिफेम किया जा रहा है, रिया को डिफेमेशन किया जा रहा है। मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई जहाँ उन लोगों ने, वो लोग हाईकोर्ट जाएंगे, कोर्ट जा करके जिन लोगों ने रिया को डिफेम किया है उन पर केस करेंगे, उन लोगों के नाम जो है CBI को देंगे और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। इस तरह का दावा जो है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे द्वारा किया गया। रिया ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार होने से पहले, CBI की जांच शुरू होने से पहले कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे और वहाँ भी अपने खिलाफ चल रहे विच हंट की बहुत सारी बात की थी, मगर उसके बाद जब रिया जेल गई उस दौरान भी लगातार उनको बॉलीवुड के लोगों का सपोर्ट मिला, सतीश माने शिंदे कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहे। अब ऐसे में डिम्पल थवानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ।